हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग ट्यूर्स। आज हम बात करेंगे मैलाबार स्पेनिच के बारे में, जिसे कि हम पोई साग भी कहते हैं। दोस्तों, जो ये मेरे पास स्पेनिच है, ये है रेड कलर की। आप देख सकते हैं जो इसका तना है वो रेड कलर का है और जो पत्तियां हैं वो बैंगनी कलर की है। और अब इसका ऑफ सीज़न आ चुका है, क्योंकि ये मैंने पिछले साल लगाई थी और अब इस पर बहुत सारे बीज आ चुके हैं। तो अब मैं बीज की हार्वेस्टिंग करूंगी और नई कलमें तैयार करूंगी, नए इसके जो प्लांट्स हैं वो रेडी करूंगी। और गर्मी में इसके बीज लगाने का बहुत अच्छा समय होता है और ये मैंने कर लिए हैं बीज हार्वेस्ट। और अभी बहुत सारे बीज मेरे पड़े हैं जो मैंने हार्वेस्ट नहीं करे हैं और अभी मैं इनको तैयार करूँगी। और मैंने कुछ अभी तैयार किए भी थे, कुछ दिन पहले मैंने बीज लगाए थे, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो वाले बीज। और इसमें जो इसके आसपास के मेरे पॉट रखे हुए थे, उनमें जब इसके बीज गिरे, अपने आप ही टूट टूट कर गिरते रहते हैं, तो कुछ छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें कुछ छोटे छोटे प्लांट हो रहे हैं जो ये पास में पॉट रखा हुआ है, ये देखिए। और इन्हीं को मैं यहाँ से निकाल कर एक अलग से पॉट में लगा दूँगी। गाइस, हम काट लेते हैं इसकी कुछ कलमें, क्योंकि अब मुझे इस प्लांट को हटाना है यहाँ से, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। अब देखिए, मैं यहाँ से नीचे से इसकी कलम ले रही हूँ, क्योंकि इसका जो तना है वो बहुत मोटा है, तो अच्छे से कलम हो जाएगी। हेल्दी प्लांट था ये मेरा बहुत। अब इसकी कलम ऐसे काट लीजिए आप अच्छे तरीके से। और दोस्तों, मैं इसके बेनिफिट बताती हूँ आपको कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपके डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक रखता है। दोस्तों, अगर आप इसको बीज से लगा रहे हो तो मिट्टी में 1 इंच तक का गड्ढा खोदें और उसमें बीज डाल दें और ऊपर से उसको अच्छे तरीके से बंद कर दें। बीज को जर्मिनेट होने में 8 से 10 दिन लग सकते हैं और जब बीज जर्मिनेट होगा तो आपकी जो पालक है वो 40 से 50 दिन में बिल्कुल तोड़ने के लिए रेडी हो जाती है। तो फिर आप उसकी सब्जी बना सकते हो, पकोड़े बना सकते हो, दाल पालक बना सकते हो, सूप बना सकते हो, यानी कि किसी भी तरीके से आप उसको अपने खाने में ऐड कर सकते हो और स्वस्थ रह सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हमारी जो ये कलमें हैं वो मैंने अच्छे तरीके से काट ली हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये इसकी जड़ है नीचे वाली और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, यहाँ से इसके रूट निकलते हैं। जब भी आप कलम लगाओ तो आप एलोवेरा जेल और शहद का मिश्रण इसमें अच्छे तरीके से लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि एलोवेरा और शहद एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है, तो हमारी जो कलम होती है वो बहुत जल्दी से ग्रो करने लगती है। तो आप अपनी कलम में एलोवेरा और शहद ज़रूर लगाइए। मेरा ये पॉट एक खाली पड़ा था, तो मैंने सोचा मैं इसी में ही ये कटिंग लगा देती हूँ। ये देखिए, मेरे जितने भी पॉट हैं सब में मिट्टी बिल्कुल हल्की रहती है। मिट्टी का जो मिश्रण है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ। मैं इसमें नॉर्मल सोयल डालती हूँ और रिवर सेंट हो गया, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, क्योंकि मैं मिट्टी पहले से ही रेडी रखती हूँ तो मुझे आसानी बनी रहती है। तो अब हम अपनी सारी कलमें लगाएंगे अच्छे तरीके से। और दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप जितना ऑर्गेनिक रखेंगे अपने गार्डन को, आपके प्लांट उतना ही हैप्पी रहेंगे। बिल्कुल भी केमिकल का यूज़ मैंने आज तक अपने प्लांट्स में कभी नहीं किया, हमेशा ऑर्गेनिक पे ही काम करती आई हूँ। फर्टिलाइज़र है वो भी ऑर्गेनिक बनाते हैं, खाद है वो भी हम अपने खुद से घर पर रेडी करते हैं, तो
तो इसलिए कोई केमिकल का सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे गार्डन में। तब देखिए आप इसको 1 से 1.5 इंच की जो इसकी लेंथ होती है उसको मिट्टी में दबा दीजिए अच्छे तरीके से। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मैलाबार स्पेनिश के बीज चाहिए या कोई भी प्लांट चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो, मेरी इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और मिलते हैं आपसे कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।